नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज़ चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारी टीम अंबेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा में मौजूद है, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे। कौन सी बाज़ार है भैया? असगवा बाज़ार में हम लोग मौजूद हैं। आइए अभी इन लोगों से हम जानते हैं कि होने वाले विधानसभा उपचुनाव में ये लोग किसके सिर पर जीत का ताज बांधने की तैयारी कर रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए अभी हम बात करा रहे हैं। अभी आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्णा यादव है। तो यादव जी, किसको विधायक बनाने जा रहे हैं आप लोग? भैया, मेरे यहाँ लाल जी वर्मा जी पहले सांसद थे, अब विधायक भी वही बने की। क्या खासियत है लालजी वर्मा? खासियत ये है कि बराबर परमानेंट अभी एक फोन किया जाए तुरंत लालजी वर्मा हाजिर हैं भैया। यानी मिलनसार व्यक्ति? जी जी जी, उनसे ज़्यादा मिलनसार हमें। अच्छा, उन्होंने किया क्या क्या है? कहे हुए लेकिन क्यों नेता हमारे घरे ना आया उत बा, हम क्यों जानते ही ना है कौन नेता का। लेकिन लालजी वर्मा अब तुमसे फोन करी तुमसे चलाइए भैया। भाजपा वाले तो बहुत बुराई करते हैं। भाजपा वाले करत हुए लेकिन हम तो ना करते ही भैया, हम तो बहुत बढ़िया नेता है ना भैया। अब तुरंत फोन करी, क्या क्या काम किए हैं भैया? काम कहे हुए विकास का, हमें जरूरत है ना विकास के, हमारे पास जितना बहुत हम प्रसन्न रही, विकास करें चाहे न करें, लेकिन वो आदमी चाहिए जोन की जोन मिले, जरूरत पड़े तो मुलाकात कर लिए। इतना बड़ा आदमी हमें ना चाहिए जोन बा, वो काम हेलीकॉप्टर में देखी हमारे घरे उतर बैन करे, कोनो मतलब वो रखे हमसे, क्या फायदा है ऐसे लोगों से। तो आप लोग लालजी वर्मा को? जी भैया, लालजी वर्मा उनकी पत्नी जो है उस समय विधायक वहाँ आई है, उनको हम वोट देंगे। तो आपके यहाँ आई थी? जी भैया बिल्कुल, बराबर आती हैं, हमारे गांव में आती हैं, रोड पे आती हैं, आती जाती रहती, बराबर रहती हैं। कृष्णा यादव हमारा नाम है भैया, हम तो यार बार कहूँ रहा तब ये मैंने कहे जो बाहर हुए साल कहूँ जाए बन करिए। राम सुरेश। तो राम सुरेश जी, ये बताइए कि आप लोग किसको विधायक बनाने जा रहे हैं? वो जो कहा थे तो पढ़े ना इधर, आप बताइए। वो हम लोग वो जो ने बताए वैसे क्या कह रहे हैं, हमने तो नहीं सुना। वो हम तो ना उनके ना यानी लालजी वर्मा। तो लालजी वर्मा से आप मिले हैं? हम ना मिला वाला ना आएगा। तो उनके कहने पर संबंध है श्रीमान जी? उनका संबंध वा भैया जी के, अबे कौन आपके मित्र हैं? देखिए, इनका कहना है कि चूंकि भाई साहब का लालजी वर्मा से अच्छा खासा संबंध है, जी जी जी, और वो हमारे मित्र हैं, इसलिए हम लालजी वर्मा को ही वोट देंगे। यही जी, यही सत्य है सर। और क्या क्या अच्छाई है उनके अंदर? हम कहा यानी हम तो आप जब दिन में मजदूर मने हम का करे नहीं तो क्यों आए, कौन अच्छाई कह दे साहब? धर्मराज ने साथ ले के दिए अगले बीजेपी से। धर्मराज ने साथ जी बिल्कुल एकदम बेकार आदमी है, कौन अर्थक ना है, कहीं हो भी ना अगर तीन गाँव देहात में दौड़े ना ही आप जाए तो हाल चाल वर्मा दौड़े साहब। श्रीमान जी, मेरे पिताजी का ऑपरेशन होना था, वहाँ लखनऊ में लालजी वर्मा ने मदद किया। यहाँ लोगों जितनी परेशानियाँ होती हैं तो आईसीयू के मतलब आईसीयू में भर्ती वही लालजी वर्मा करवाते हैं। जब धर्मराज था लड़ू दक्षिण हुए है तो फिर वोटो हम धर्मराज कह दिए, हम यहाँ लालजी वर्मा मदद कर रहे हैं श्रीमान जी। राशन मिल रहा मोदी साहब को, कॉलोनी बनी बाजार कमरा उन्हें दियन बात, मजदूर मने दिन भर मजदूरी करी थे। तो भैया मेरा तो विचार वही बा, अब मोदी जाए किसान ना जाने। आपको जो है मोदी ने कॉलोनी दिया है तो उन्हीं को आप लोग वोट करेंगे? देखिए, इनका दादाजी का कहना है कि मोदी जी ने हमको कॉलोनी दिया है, इसलिए हम लोग मोदी के ही पक्ष में वोट करेंगे। मोदी के पार्टी से कौन लोग करेंगे? अब्बा वो है क्या हमने बताया, कहन आपसे खोल के बता दें कि हम ना पढ़े ना मतलब आप केवल कमल निशान। हाँ, बस वो जानते हैं। देखिए, दादाजी का कहना है कि केवल हम कमल निशान जानते हैं और बस बीजेपी ने हमको कॉलोनी दिया है, इसलिए हम लोग उसी के प्रति मतदान करेंगे। यही बात। हाँ, बस आज यहीं तक। अगला गांव, अगला